तो फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है पूरे 40,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है। अगर आपको अभी तक फ्लिपकार्ट पे लेटर से यहाँ पे लिमिट नहीं मिली है तो जाके आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट अच्छे से यूज करते हैं, उसमें शॉपिंग करते हैं, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको यहाँ पे एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है 1,000 से लेके 70,000 रुपए तक की हमारे को यहाँ पे लिमिट मिलती है। जो यहाँ पे मुझे लिमिट मिली है पूरे 40,000 रुपए की मुझे यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ पे मिली है, और जो इस लिमिट को प्रोवाइड करता है वो करता है IDFC फर्स्ट बैंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी पूरे 40,000 रुपए की मुझे EMI की लिमिट मिली थी, साथ में 15,000 रुपए की लिमिट मुझे यहाँ पे लेटर की मिली थी। जो पे लेटर की लिमिट है उसको मैं 30 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और जो मुझे 40,000 रुपए की लिमिट मिली उसको मैं यहाँ पे EMI में भी यहाँ पे कन्वर्ट करके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ले सकता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल का जो यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है 6,168 रुपए दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 मोबाइल यहाँ पे EMI में यहाँ पे ले रखे हैं, और यहाँ पे मेरे को पहले यहाँ पे पैसे देने की यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं 0% इंटरेस्ट पे इसकी लिमिट का पे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे EMI में कोई भी मोबाइल लेना चाहता हूँ तो वो मैं EMI में भी यहाँ पे मोबाइल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर आपको उसको यहाँ पे रिफंड करना है तो यहाँ पे 1 क्लिक में आपका इंस्टेंट यहाँ पे रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसके बाद 9 इंटरेस्ट फॉर 30 डे। अगर आप 30 दिन के लिए यहाँ पे कोई भी सामान को यहाँ पे डिलीवर करते हैं या कोई भी सामान मंगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पूरा आपको 35 दिन का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो उसके बाद 1 क्लिक में आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर, अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो, क्योंकि जो इसको प्रोवाइड करता है वो करता है IDFC फर्स्ट बैंक। अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, तो आप यहाँ से जो हमारे यहाँ पे क्रेडिट स्कोर भी हमारे यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से अपने घर का राशन पानी कुछ भी वो भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे मैं शोभना पे क्लिक करता हूँ तो शोभना पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप 2500 से ऊपर की यहाँ पे कोई भी लिमिट करते हैं तो आप उसको EMI में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको EMI में कन्वर्ट करेंगे तो आप वहां से 12 मंथ की, 6 मंथ की, 9 मंथ की EMI में भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे 10,000 की लिमिट मिली थी, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से यूज किया फ्लिपकार्ट पे लेटर को, तो मुझे यहाँ पे जो लिमिट अब मिली है पूरे 40,000 रुपए की लिमिट मिली है, उसको मैं यहाँ पे 3 मोबाइल मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो इस टाइम जो मेरी अवेलेबल लिमिट दिखा रहा है 11,109 रुपए मेरी यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कल ही यहाँ पे एक यहाँ पे शूज को भी यहाँ पे ऑर्डर किया है। क्योंकि आप इसको जितना अच्छे से यूज करते रहेंगे उतनी आपकी जो लिमिट है यहाँ पे इम्प्रूव होती रहेगी। क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे वर्क करती है। अगर आपके पास पैन कार्ड है आधार कार्ड है, जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड सबमिट करेंगे उसके बाद जो आपका सिविल स्कोर है वो 600+ होना चाहिए, तो आपको तुरंत ही यहाँ से जो लिमिट है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लिमिट को आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके इसकी लिमिट को वहाँ पे यूज कर सकते हो, और आसान 30 दिन के बाद उसकी मतलब की रिपेमेंट को आप वहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।